नमस्कार। बांस बांस एक प्रकार की घास है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। पुराने समय से बांस का इस्तेमाल जो है विभिन्न चीज़ों में किया जाता रहा है, चाहे घर बनाने में हो, छप्पर का घर, खपड़े का घर, हर चीज़ में बांस का प्रयोग होता था। पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी बांस का बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। बांस प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। भारत सरकार ने अभी नेशनल बंबू मिशन की शुरुआत की है। अभी अंकुश जी आपको नेशनल बंबू मिशन के बारे में बताएंगे, जिसके तहत भारत सरकार सब्सिडी देकर बांसों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रही है। भारत सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बांस लगाया जाए। बांस के लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ बांस जो है वो जैव विविधता का भी काफ़ी संरक्षण करता है। आप देख रहे हैं ये बांस के पौधे हैं, ये एक झाड़ी नुमा आकार ले लेते हैं। इसके भीतर कई तरह के पशु पक्षी निवास करते हैं। बांस की पत्तियों को भी कई सारे पशु पक्षी खाते हैं। चिड़ियों का भी अच्छा बसेरा होता है। अक्सर वेटलैंड्स के पास जहाँ पर ज़्यादा पानी भरता है, वहाँ पर ऐसे बांस के पौधे जो हैं वो आसानी से लग जाते हैं। तो बांस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये इसको ग्रीन गोल्ड भी नाम दिया गया है, हरा सोना, क्योंकि बहुत ही कम समय में बढ़िया प्रोडक्शन करके बांस से हम काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। जैसे नदी का किनारा है, तालाब का किनारा है, वहाँ पर लगा कर हम बांसों को, जो उसके किनारे हैं वहाँ पर जो मिट्टी का अपरदन है उसको भी रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो बांस को ज़रूर लगाएं। आइए अब जानते हैं अंकुश जी से नेशनल बंबू मिशन के बारे में। नमस्कार। आपने अभी, अभिषेक जी ने आपको नेशनल बंबू मिशन के बारे में थोड़ा सा बताया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे सरकार ने नेशनल बंबू मिशन की शुरुआत की है प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए, जैसा कि अभिषेक जी ने अभी बता ही चुके हैं आपको। इसके अलावा इसमें बंबू मिशन में जो आपका ये है कि इसमें 120 रुपये की पर प्लांट की सब्सिडी मिलेगी, वो 5 साल में किस्तों में दी जाएगी। और इसमें आपको जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की नर्सरियाँ हैं उससे आपको पौधे खरीदने पड़ेंगे। जो रजिस्टर्ड नर्सरी बंबू मिशन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नर्सरियाँ हैं उन्हीं से आपको पौधे खरीदने पड़ेंगे, और कहीं से आप पौधे नहीं खरीद सकते। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसको रोकने में एक बांस एक बहुत अच्छी मदद कर सकता है। बांस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है, और बहुत तेज़ी से यह कार्बन को अंदर सोखता है। तो इस तरीके से बांस को हम, यदि बांस को बड़े पैमाने में हम प्लांटेशन करते हैं तो इस तरीके से हम ये जो आपका कार्बन सिक्वेशन वाला पार्ट है, जो भी कार्बन को सोखने वाला पार्ट है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाला पार्ट है, इसका बांस का बहुत अच्छा योगदान हम इसमें दे सकता है। बांस हमको, बांस का प्रदूषण रोकने में भी बहुत बड़ा योगदान है। बांस आपका जो धूल मिट्टी और डस्ट को बहुत कम करता है। बांस आपका साउंड पॉल्यूशन, जो आवाज़ है, उसको बहुत कम करता है। बांस बहुत अच्छा एक विंड ब्रेकर है, बहुत अच्छा विंड ब्रेकर है। और बांस मिट्टी के कटाव को रोकता है। बहुत सारे, मतलब इतने बहुत सारे तितलियाँ और बहुत जीव इस पे पड़ते हैं। बहुत सारे ग्रेजिंग एनिमल, जो आपके चराई करने वाले जीव हैं, वो इसकी पत्तियों को खा लेते हैं। और हमारे इंसानों के दैनिक जीवन में भी आप, मतलब हमारा बांस से हमारा बहुत प्राचीन जुड़ाव है। इसमें इसके अचार पड़ते हैं, इसके नए पत्तियों की सब्जियाँ बनती हैं, और भी इससे घर बनाए जाते हैं, और आपके छप्पर में भी काम आता है। तो इस तरीके से बांस के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। बांस को आप कहाँ पे लगाया जाए, ये सवाल कई बार उठता है, कई बार पूछा जाता है। तो बांस को आप जनरली जो नदियों के किनारे, यहाँ जहाँ थोड़ा बहुत जल भराव होता है, या तालाबों के किनारे लगा सकते हैं। वहाँ उस जगह पे बांस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इससे मतलब आपका जो आर्थिक जो फ़ायदा है वो उसमें ज़्यादा वो हो सकता है। बांस केवल आर्थिक रूप से नहीं, जैव विविधता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस बांस में जो भी आपकी जनरल ज़्यादातर घासों में तितलियां और कीट पतंगे अंडे देते हैं, उनमें से कई सारी प्रजाति के पतंगे वो बांस पे भी अंडे देते हैं, क्योंकि घास भी एक घास ही है।
तो और कई सारे चिड़ियाओं के लिए मतलब घोंसले के रूप में और बहुत सारे जीवों को छुपने के लिए उनको हाइडिंग प्लेस, छुपने की प्लेस, छुपने की जगह प्रदान करते हैं और चिड़ियों को रूस्टिंग प्लेस प्रदान करते हैं, रात में रुकने के आवास आश्रय प्रदान करते हैं। और इनके जो जिस तरीके से घास के बीजों को बहुत सारी पक्षी खा जाते हैं, उसी तरह बांस के बीज को भी बहुत सारे पक्षी खा जाते हैं, उनका पेट भी भरते हैं, उनका घोंसला बनाने में इनकी पत्तियों के ज़रिए वो घोंसला बनाते हैं। 10 प्रजाति के बैम्बू हैं, बांस हैं, जो कमर्शियली यूज़ होते हैं, उनको जनरली सरकार प्रमोट कर रही है। तो उन बांसों को यदि आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा देंगे और उनसे काफ़ी अच्छी आपकी कमाई और अर्निंग हो सकती है। तो अंकुश जी ने आपको बताया बांसों के अलग अलग फ़ायदों के बारे में। आर्थिक फ़ायदा भी है, प्रदूषण को भी कम करता है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी बड़ा ज़रूरी है, जैव विविधता को बचाता है। तो आइए बांस लगाया जाए। आप सरकार की जो योजना है नेशनल बंबू मिशन के अंतर्गत सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप आसानी से बांस लगा सकते हैं। और नहीं तो आप अपने आसपास की जो सरकारी नर्सरी है, उद्यान विभाग की नर्सरी है, वहाँ से बहुत ही सस्ता 20-25 रुपए का बांस का पौधा प्राप्त कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बांस ज़रूर लगाएं और प्लास्टिक के जगह बांस का अधिक से अधिक उपयोग करें और लोगों को भी इसका उपयोग करने के बारे में बताएं। धन्यवाद।